हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जेके बैंक पीओ मेंस का एग्ज़ाम जो कि 27 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है और उसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं, डू कनेक्ट विद अस ऑन देम। हमारे चैनल पे बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम जो कि आने वाला है फ्रॉम 1 जनवरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, चाहे वो IBPS हो, RRB हो या SBI हो, उन सब के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। डेली के 2 लेक्चर्स, 1 फ्रॉम क्वांट एंड 1 फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन जो है वो पोस्ट किया जाता है। तो डू वॉच अवर लेक्चर्स एंड इफ दे प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू यू तो प्लीज़ डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो लाइक देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीओ मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 27 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है एंड एज ऑफ टुडे कोई भी एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट का हो चाहे वो पीओ मेंस का हो। तो एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को अभी भी पता नहीं होगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कि 4 कंपोनेंट्स हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करें या इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये 10 डेज में हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले देखते हैं पैटर्न को। जेके एग्ज़ाम पीओ का पैटर्न जो है वो वेरियस साइट्स पे बहुत डिफरेंट दिया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट एंड इस टाइम जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। इस साल का पैटर्न जो अभी नोटिफिकेशन आया था हमारा जेके बैंक का, उसमें गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पीओ मेंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मेंस का जो पेपर है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अवर जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है। तीसरा कंपोनेंट हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहता है एंड चौथा हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का रहता है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हमको मेंस में पूछे जाने वाले हैं। अब देखते हैं एक एक करके कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे और जो टाइम गिवन होगा वो पर सेक्शन कितना गिवन होगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की, तो जो टोटल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाने वाले हैं वो होंगे 40 मार्क्स और टाइम लिमिट जो आपको गिवन होगा वो होगा 35 मिनट्स। मेंस का पेपर बहुत लेंथी होने वाला है तो आप उसकी तरह तैयारी करके जाओ कि आपने 3 घंटे पेपर पर बैठना है। जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शन होगी उससे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच विल कैरी 40 मार्क्स विद देम एंड आपको वो 40 क्वेश्चंस आपको 35 मिनट्स में करने होते हैं। दैट मीन्स कि इस सेक्शन से हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 1 मार्क होता है पर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस हमको पूछे जाने वाले हैं जिसके मैक्सिमम मार्क्स हमको 40 मार्क्स जो है वो दिए गए होंगे, कितने क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस के लिए, और इसके लिए हमको 40 मिनट्स जो है वो प्रोवाइडेड होंगे। अब देखो आप सोच रहे हो ये क्या डिस्क्रिपेंसी है कि 35 क्वेश्चंस हैं और 40 मार्क्स हैं, तो इसमें क्या होता है इंग्लिश सेक्शन में 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो पर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करते हैं विद देमसेल्व्स। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे 1 मार्क ईच होते हैं, बट 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके 2 मार्क्स पर क्वेश्चन गिवन होते हैं और अगर वो क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। कीप दैट इन माइंड, इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो 2 मार्क्स ईच होंगे और उन क्वेश्चंस को अगर आप रॉन्गली अटेम्प्ट करते हो तो आपका 0.5 मार्क इंस्टेड ऑफ 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा।
टाइम आपको कितना मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए, इट इज 40 मिनट्स अगेन। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपको 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच विल कैरी 60 मार्क्स। 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स कैरी करेंगे, और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 60 मिनट। 45 क्वेश्चंस होंगे गिवन आपको, मैक्सिमम मार्क्स उसके लिए 60 होंगे, और आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा उन 45 क्वेश्चंस को करने के लिए, इट विल बी माय 60 मिनट्स। अगेन रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, रीजनिंग में कुल 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मतलब 15 पजल्स आप लगा लो कि ऐसे होंगे जो पर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेंगे विद देमसेल्व्स। तो अगर आप पेपर में वो वाली पजल्स को अटेम्प्ट करते हो जो आपको 2 मार्क्स की पर क्वेश्चन आता है, तो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप सीधा सीधा 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 15 क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स ईच होंगे, और बाकी के 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिंपल आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 1 मिल सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होगी जब, तो वो 0.25 मार्क जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। बट इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपका अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इट विल टेक आउट 0.5 मार्क्स फ्रॉम योर टोटल। ओके, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए 60 मिनट्स। फिर अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें हमको 35 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं दैट आर गोना कैरी 60 मार्क्स, और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स कैरी करेंगे, 35 क्वेश्चंस अगेन, इसमें से 25 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो 2 मार्क पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस ऐसे जिसके लिए पर क्वेश्चन 2 मार्क्स गिवन होंगे, और बाकी के 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए आप हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी के 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क आपको गिवन होगा। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको क्या मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 45 मिनट। तो आप देख रहे हो ये प्री का पेपर नहीं है, प्री के पेपर में क्या होता है आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हो, आपको 1 मार्क जो है वो गिवन है। यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए अलग आपको क्राइटेरिया दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स हैं, टाइम ड्यूरेशन आपके सामने है, इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स हैं, टाइम ड्यूरेशन आपके सामने है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 क्वेश्चंस आपको गिवन है 60 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आप 45 क्वेश्चंस के थ्रू स्कोर कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन आपका 60 है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आप 35 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से कुल 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, और उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 60, और आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना दिया गया 45 मिनट्स। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो तो आपका 3 घंटे का पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और उन 3 घंटे के बाद वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप इन सेक्शंस को देखो तो सीधी सी बात है, मेंस का पेपर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी किसी के लिए भी, चाहे वो बहुत प्रैक्टिस करता है चाहे वो कोई कम प्रैक्टिस करता है, मेंस का पेपर किसी के लिए भी इजी नहीं होता। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, तो अगर आप सोचो कि आप इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मेंस के पेपर में जो रीजनिंग और मैथ्स पूछा जाता है दैट इज़ वेरी हार्ड लेवल, बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ही बच्चे उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस ना कर करके हमारे लिए मेंस में जो स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं वो एक ये बैंकिंग अवेयरनेस होता है और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज होता है। ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, और उसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग से चलती आ रही हो और आप अच्छा पढ़ रहे हो। क्यों,
रीजनिंग में देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में वर्बल रीजनिंग भी आती है और दूसरी एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है। जो पजल्स इसमें पूछी जाती हैं वो 3 to 4 पैरामीटर्स वाली पजल होती हैं जो बहुत हार्ड लेवल की होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नो डाउट आप वो भी कर सकते हो, बट रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो DI से पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं, जो कि हार्ड लेवल की होती है। बट आपको गिवन है कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो ये भी क्वेश्चंस होंगे ये हमारे DI में फॉल करेंगे। तो अगर आप एक DI भी सॉल्व कर लेते हो तो आराम से आपके 10 नंबर उस DI से पक्के हो जाते हैं। बाकी जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं हो सकता है वो अरिथमेटिक से हो या इनइक्वालिटी सेक्शन से हो या बाकी जो सेक्शंस हमको डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछी जाती हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा स्कोर कर पाना इजी नहीं है। इंग्लिश की अगर हम बात करें 35 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं या अगर नहीं हैं, अगर आप मॉक्स दे रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कर रहे हो, अपनी वो कैप पे ध्यान दे रहे हो, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, क्योंकि आप टाइम लिमिट भी देख रहे हो कि 35 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे 40 मिनट्स दिए गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश की सेक्शन इजी होने वाली है, उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी बहुत लंबे दिए जाते हैं और हार्ड लेवल के दिए जाते हैं। स्टिल जो स्कोरिंग सेक्शन है आपकी वो इंग्लिश से निकल जाती है। यहाँ पे हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको साथ में दिख रहा होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट अगर हम पिछले सालों की कुछ सालों की बात करें फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन IBPS में नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ पजल्स पूछी जाती है और वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी IBPS के एग्ज़ाम्स हुए हैं लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की। तो इसमें आप देख पा रहे हो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स में करने हैं और टाइम ड्यूरेशन भी आपको अच्छा खासा दिया गया है। बट प्रॉब्लम यही है कि बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते और वो इस सेक्शन में मात खा जाते हैं। तो अगर आप अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो या आपने 2 दिन पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है जब से हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको अपना बजट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बजट पढ़ना है। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक अवेयरनेस जो भी है, इकोनॉमिक अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस, कौन से बैंक ने किसके साथ मर्जर किया, कौन सा बैंक कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहा है, कौन से बैंक ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, या कौन से बैंक ने कितना कौन सी योजना निकाली है हमारे फार्मर्स के लिए या हमारे MSME सेक्टर के लिए या कुछ भी, तो वो आता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस में। बजट में जो इस साल का बजट था उसमें कौन से प्रोजेक्ट को कितना पैसा जो है वो अलॉट किया गया, कौन से डेवलपमेंट स्कीम में कितना फ़ंड डाला गया, अगर RBI जो है वो गवर्नमेंट को पैसा दे रही है तो कितना पैसा दे रही है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बजट से। और तीसरी चीज़ जनरल अवेयरनेस, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई, कौन से बैंक ने कौन सी स्टेट के साथ अग्रीमेंट किया, लोन किया, या किसकी डेथ हुई, किसी फॉर्मर मिनिस्टर की डेथ हुई या कहीं कंट्री के प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, कोई कल्चर की न्यूज़ हो, कोई टेंपल की न्यूज़ हो, तो ये वाले अवेयरनेस जो हैं वो हमारे जनरल अवेयरनेस में आते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। पिछले 6 महीनों का जो करंट अफेयर है, बैंकिंग अवेयरनेस है, वो रिकमेंडेड होता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड फॉर यू, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स निकाल के उसमें से बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को अपने पक्का कीजिए। ऑल्सो स्टैटिक अवेयरनेस भी हमसे पूछी जाती है, करीबन 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक अवेयरनेस में से आते हैं, चाहे वो किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछा हो या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा हो या किसी टेम्पल डांस या कल्चर के बारे में पूछा गया हो, तो ये हमारा ऑक्यूपाई करता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जो कि सबसे पहले पूछा गया होता है। आपको तुक्के नहीं मारने, नेगेटिव मार्किंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग से आपके जो आने वाले मार्क्स हैं वो भी आपके डिडक्ट हो जाते हैं, जस्ट कीप दैट इन माइंड।
तो ये सिलेबस था आपका मेंस का। अब इन सबको अटेम्प्ट करने के बाद आफ्टर 3 आवर्स आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। क्या होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, विच कैरीज 25 मार्क्स विद इट। आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो आपके 25 मार्क्स कैरी करता है। उस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको दो चीज़ें करनी होती हैं, एक आपने एसे लिखना होता है, एसे टाइप करना होता है, और एक आपको लेटर टाइप करनी होती है। एक आपको एसे टाइप करना होता है, एक आपको लेटर टाइप करनी होती है। और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है 30 मिनट्स। ठीक है, ये सब MCQ पेपर करने के बाद 3 घंटे जब आपका ये पेपर सबमिट हो जाता है तो साथ ही में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको एक एसे, आपको एक टॉपिक गिवन होगा, आपको एक एसे अटेम्प्ट करना है और एक लेटर अटेम्प्ट करनी है। दे बोथ आर गोइंग टू कैरी विद देम 25 मार्क्स इन टोटल। ओके, इन टोटल। तो अल्टीमेटली 3 घंटे और 30 मिनट्स के बाद आपका पेपर कम्प्लीट हो जाता है मेन्स का, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये पैटर्न था, ये एग्ज़ाम पैटर्न था। सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा कि हर सेक्शन का सिलेबस क्या रहेगा, एंड आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने आपको बस आपके साथ ये जस्ट शेयर करनी थी और आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले, रिसेंट हमारा जो मेन्स का पेपर हुआ था वो हुआ था SBI मेंस का पेपर हमारा अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। तो अगर आप चाहते हो कि SBI मेंस में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर बहुत सारे बच्चे हमको करते हैं कमेंट कि वो चाहते हैं कि SBI मेंस में दोनों शिफ्ट में जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस किए जाएं, तो डू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ब्रिंग अ सेशन फॉर यू ऑन दैट, ऑन स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे नहीं। बाकी मॉक्स देते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।